8 मार्च को तैयार हो जाइए एक इंट्रीगिंग सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखने के लिए जिसका नाम है बदला। बदला फिल्म लेकर आ रहे हैं सुजॉय घोष और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। वेल, आपको बता दूं इसका ट्रेलर हो चुका है रिलीज, तो बात करते हैं उसके ट्रेलर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। भाई, ये ट्रेलर देखकर लिटरली आपके घूसबम्स क्रिएट हो जाएंगे। आप जब इस ट्रेलर को देखेंगे, इसमें सस्पेंस है, इसमें थ्रिलर है और बेस्ट परफॉर्मेंस है। हम सब जानते हैं कि तापसी पन्नू एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ टैलेंटेड भी हैं, और उनको जब साथ मिलेगा सदी के महानायक बच्चन साहब का, तो ये फिल्म और भी ज़्यादा सुपर डुपर हो जाएगी। वेल, ट्रेलर को ओवरऑल देखने के बाद मैं स्टोरी को जज नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपने एजम्पशंस और प्रिडिक्शंस बता पा रहा हूँ कि स्टोरी क्या होने वाली है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन किसे फंसा रहा है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने पकड़ ली है, वो ये है कि बेहतरीन अभिनय हमें मिलने वाला है, एक बेहतरीन डायरेक्शन हमें मिलने वाला है, एक सस्पेंस थ्रिलर मिलने वाला है आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हमने कहानी में देखा था। हाँ, हालांकि कहानी 2 भी बीच में आई थी, लेकिन कहानी 1 ज्यादा बेस्ट थी। और साथ ही साथ दोस्तों, एक बेहतरीन ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर है। अगर आप पूरी फिल्म के, अगर आप पूरे ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर को ध्यान से सुनेंगे, तो आपको लिटरली मजा आ जाएगा। एक रिदम मिलेगा, एक फन मिलेगा और साथ ही साथ एक थ्रिल भी मिलेगा। अगर बात करूं दोस्तों मैं इसकी कहानी की, तो तापसी एक लड़के के साथ एक रूम में है और उसका मर्डर हो जाता है। तापसी को फंसाया जा रहा है या फिर उसने ये क्रिएट किया है पैसे हथियाने के लिए, ये तो आप लोगों को 8 मार्च को ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी से मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये फिल्म की स्क्रिप्ट टाइट हुई, ये इंट्रीगिंग हुई, तो ये सुपर डुपर हिट जाएगी और 100 करोड़ से ऊपर जाएगी। मुझे तो पर्टिकुलरली पसंद आया, और मुझे इसी तरीके की फास्ट बेस्ड फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। आपको कैसा लगा बदला का ट्रेलर, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि राहुल भोज इसी तरीके के एक्साइटिंग रिव्यूज आप लोगों के लिए लाएगा आपके फेवरेट चैनल में। टेक केयर। अरे हाँ, जाने से पहले मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है SRKG का डेब्यू हो इसमें, एक कैमियो रोल हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट कोई बात नहीं, स्टोरी आगे आ गई है, तो हमें स्टोरी देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा अब।